अस्सलाम वालेकुम प्यारों, क्या हाल है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि अब हम कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश करेंगे। यही रीज़न है कि मैं सुबह 7 बजे के टाइम कैमरा पकड़े खड़ी हूँ, क्योंकि 9 बजे मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचना है। 12 बजे आज हमारे इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स की वजह से एक और इवेंट है। सबसे पहले आता है सवाल नंबर 1 कि इवेंट क्या था। इवेंट वॉज नो बैकपैक डे, मतलब दुनिया जहान की आलतू फालतू अंध गंध बला सब ला सकते हैं, जिसके अंदर आपका सामान आ सके, जिसके अंदर आप अपनी बुक्स रख सकें, अपने स्टेशनरी बॉक्स वगैरह रख सकें, लेकिन वो बैग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। मगर कोई भी दूसरा काम करने से पहले फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एंड बट दैट फर्स्ट थिंग इज नाश्ता। मतलब लिटरली कुछ भी, बट इट शुड बी क्रिएटिव। ठीक है, जैसे कि आप हैंगर ले जाएं, आप अम्ब्रेला ले जाएं, आप टेडी ले जाएं, जो कि स्टफ किया जा सकता है। क्रिएटिविटी का लेवल तो ये है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मालूम नहीं था कि हम ऐसा कोई एक्टिविटी करने वाले हैं। वो अगले अपनी गाड़ी में गए, गाड़ी में जैक पाने स्क्रू जो भी होता है वो लेकर, एंड लिटरली उन्होंने उसको एज कैरियर यूटिलाइज किया। लाइक क्रिएटिविटी होना तो इस लेवल की है। सवाल नंबर 2, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। भाई शफीक मेरी बात सुनो, इन्फ्लेशन का आलम देखा है, हर दिन कोई ना कोई बुरी खबर सुनने में आ रही होती है, तो इंसान को ना अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, इंसान को एंजाइटी से, डिप्रेशन से, बुरी खबरों से दूर रहने के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग लाइफ में चाहिए होता है, जस्ट टू ब्रीथ ऑल दिस आउट। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज रखवाई, प्लस इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेम कोर्स जिसके लिए मैंने इवेंट कराया था, इवेंट मैनेजमेंट एंड पीआर। इनकी पीआर किस तरह से थी वह भी इन्हीं से पूछ लीजिएगा। अब कुछ लोगों का एक लाजिम सवाल आएगा जो कि बनता भी है कि भाई तुम लोग मीडिया वाले पढ़ते नहीं हो कि सही सुना था हमने, मीडिया वालों को तो पढ़ाई करनी नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है, मीडिया वाले भी पढ़ते हैं। जैसे कि वही बात ऐसी है कि आज मैंने और मेरी दोस्त ने एक असाइनमेंट करने के लिए जाना है मार्केट सर्वे पर। कौन सी मार्केट जाएंगे जाके बताएंगे, और क्यों सर्वे करने जाना है, हमें एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, बेसिकली एक ऑब्जर्वेंट रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि हमारा कोर्स है कंज्यूमर बिहेवियर, जो बेसिकली बीबीए का कोर्स है, बट मीडिया साइंस में, मीडिया फैशन में हमें वो भी पढ़ाया जाता है। करने क्या है करके बताएंगे। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, टेंशन नहीं लेनी, मैं किस लिए हूँ बताने के लिए तो बैठी हूँ। भाई देखो, कभी अम्मी के साथ ना बैठकर सौदा लेने की लिस्ट बनाना, आप समझ जाओ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि आपकी अम्मी हर प्रोडक्ट को लेकर जो स्पेसिफिक हो रही होती है कि ये अच्छा है, ये चावल ऐसा था, इसकी पत्ती ऐसी थी, या ये फर्नीचर वाला इस तरह का है, या ये कपड़े वाला इस तरह का है, किसी भी चीज़ को परचेज करने की, कंज्यूमर की या कस्टमर की जो अप्रोच है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर, दैट इज नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक मी लेटर। वैरायटी ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स दिख जाते हैं, बट द थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट दैट प्लेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम वाज के एक तो आवाम बहुत कम थी, और वो ना बहुत वीराने वाली जगह लग रही थी। ऑल दैट वाज सपोज टू लुक रौनक वाली जगह, क्योंकि इनकी ना मंथली या हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इनकी थीम्स होती हैं। ठीक है, कभी कोई कल्चरल थीम रख दी, कभी कोई सीजनल थीम रख दी। इस दफ़ा जो थीम इन लोगों ने रखी वो थी ओशन थीम। ठीक है, जो कि पूरा इन लोगों ने अपना हॉल ब्लू कर रखा था, इट वॉजेंट काम एट ऑल, बहुत अजीब उसमें बेचैनी थी माहौल के अंदर, बिल्कुल अच्छी थीम नहीं थी, अजीब ऑक्टोपस लटकाए हुए थे, मतलब इट वॉजेंट फ्रेंडली टू आइस। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो ठीक था, बट ऑल द टाइम इट वॉज ब्लू, बहुत बुरा लग रहा था। जिस मकसद से हम वहाँ गए थे वो तो लिटरली 5 मिनट में पूरा हो गया, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन जो थी। उसके अलावा हम लोगों ने वही किया जो अक्सर लोग वहाँ पर जाके करते हैं, खाना खाया, उसके बाद कुछ बचपन की ख्वाहिशात पूरी की और वापस आ गए। ऑब्जर्वेशन वॉज रियली सिंपल, वहाँ पर या तो लोग कंटेंट क्रिएटर्स आए हुए थे, टिकटॉकर्स आए हुए थे, या वहाँ पर हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो इसी तरह के सर्विस के लिए आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे, कपल्स आए हुए थे,
दैट्स इट। मेरी हर वीडियो हर ब्लॉग का मकसद होता है कि जो चीज मैं सीख रही हूँ साथ साथ आप लोग भी सीखें, ठीक है, ताकि अगर आप लोग आगे चले गए मैंने कोई गलती की तो गलतियां आप नहीं करें, ठीक है। तो आज के ब्लॉग से हम लोगों ने क्या सीखा, पहली चीज ये कि एंटरटेनमेंट इज रियली नेसेसरी इन योर लाइफ, जरूरी नहीं हर काम किसी ना किसी मकसद के तहत किया जाए, कभी कभी माइंड फ्रेश करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज अगर आपको कभी मार्केट सर्वेस करने ना, एक तो रशी पॉइंट्स पर जाएं, रशी टाइम्स पर जाएं, ताकि आप लोगों को ना वहाँ पर सर्वे करने में ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग अपने पास नोट कर सकें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारा ब्लॉग यहाँ ख़त्म हो गया, बस यही सीखना था, बाकी जो पॉइंट्स ड्राइव करने कर लें। एंड इसी तरह से हमारे वीडियोज़ आगे कंसिस्टेंसी से इंशाल्लाह आती रहेगी, कोशिश होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।